हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रत्नेश और आप देख रहे हैं डेली वोकैबुलरी शो। इस वोकैबुलरी शो यानी कि वोकैब शो में मैं आपसे हिंदी जो इसका पार्ट है यानी कि हिंदी सेशन है वो डिस्कस करूंगा। हिंदी में ये शो चलेगा। आपको पता है इस सेम जो अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ शब्द, उन शब्दों का इंग्लिश वर्जन मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस 30 मिनट्स के वीडियो में आपको 30 शब्द, ओवरऑल 30 शब्द दिए जाएंगे, मोर देन 30 वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या है इस पूरा इसका मेथड क्या है, आपको पहले मेथड बता दिया जल्दी से। तो तीन, जैसे पांच शब्द मैंने रैंडमली सेलेक्ट करे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से, उन पांचों शब्द को क्या करा, उनका जो सेंटेंस यानी कि वाक्य है द हिंदू का वो लिया है पहले, फिर उन पांचों शब्दों के लिए जो अपनी तरफ से एक वाक्य बनाया है वो मैं बोर्ड पर लिखूंगा। तो इस तरीके से आपके पास पहले तो सेंटेंस आ जाएंगे, उन सेंटेंसेस से आपको मीनिंग निकालना, अर्थ निकालना है, जो मैं मानता हूं कि बेहतर तरीका है डायरेक्टली शब्द याद करने से, ये बेहतर तरीका है। तो आप ये तरीका अपनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उन पांचों शब्द के ऊपर जो सिनोनिम एंटोनिम हो सकते हैं बेहतरीन, वो आपको दिए जाएंगे जिससे कि आप उनको ऐड कर सके अपनी डिक्शनरी में। डिक्शनरी से मेरा मतलब हर बार ये होता है कि आप इन्हेंसमेंट करें अपने डेली यूसेज में, जो आप बात कर रहे हैं, दिन भर बोल रहे हैं किसी से, कहीं कोई वार्तालाप हो रही है किसी से, तो उनमें आप उन जगहों पर आप उन शब्दों का प्रयोग कर सके। यही एक इसका इसका लक्ष्य ये होना चाहिए जब शब्दों को आप याद करें। तो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं, इस तरह से आपको इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर मैं पांच शब्द लिख दूं बोर्ड पर जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए किन शब्दों की यहाँ बात होने जा रही है। तो सबसे पहला जो शब्द मैंने लिया है वो है TUMULT, ट्यूमल्ट। बिल्कुल अच्छा वर्ड है, बहुत बेहतरीन शब्द है। दूसरा शब्द जो लिया है CHAUVINISTIC, शावनिस्टिक। तीसरा शब्द जो स्टूडेंट लिया है वो है COGNIZABLE, कॉग्निजेबल। चौथा शब्द जो लिया है मैंने यहाँ पर लिया है LACUNAE, लेक्यूने। और पांचवा शब्द जो है इस आपको इस वीडियो में मिलेगा वो है स्क्यूपर, SCUPPER। तो स्टूडेंट्स, पांचों शब्द मैं कहूंगा पांचों शब्द ही बेहतरीन है, पांचों शब्द बहुत अच्छे हैं। हो सकता है आपने सुना, हो सकता है ना सुना, इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपने सुना नहीं सुना, बट ये आपकी डिक्शनरी में ऐड हो, यानी कि भाषा में आपकी बोलचाल में ये आए शब्द तब इंपॉर्टेंट है इनका, तब महत्व का इनका मजा आएगा, ठीक है। तो सुन, चलिए चलते हैं, अब बात करते हैं कि शब्दों की, यहाँ पर सारे शब्दों को शुरू करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से, बेसिकली कैसे इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हुआ है, ठीक है। चलिए मैं आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पर एक एक शब्द को लेकर। तो सबसे पहले जो शब्द को लिया गया है वो है ट्यूमल्ट, TUMULT। ओके, तो सबसे पहले इसका मैं वाक्य लिखूंगा, आपको वाक्य बता दूं ट्यूमल्ट का क्या वाक्य लिया है। एग्जाम्पल है तमिलनाडु पॉलिटिक्स हैज नेवर बीन इन सच ट्यूमल्ट एंड अनसर्टेनिटी सिंस द डिमाइस ऑफ जयललिता इन एंड 2016। तो स्टूडेंट, ये इसका सेंटेंस जो यहाँ से लिया गया है, पहले मैं आपको यहाँ पर उदाहरण दे दूं। हर स्टेट ऑफ माइंड सीम्ड टू बी इन अ ग्रेट ट्यूमुल्ट, ठीक है। हर स्टेट ऑफ माइंड सीम टू बी इन अ ग्रेट ट्यूमल्ट, तो ये इसका यहाँ पर मैंने जो वाक्य बनाया है। अब अगर आप बात करें इस वाक्य की स्टूडेंट्स, क्या अर्थ निकल रहा है, हर स्टेट ऑफ माइंड सीम टू बी इन अ ग्रेट ट्यूमल्ट, क्या मतलब निकल रहा है इसका। मतलब बहुत साफ है उसका, कुछ बच्चे ऐसा स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि या तो इस पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो अगर हम बात करें ग्रेट ट्यूमल्ट, वैसे ट्यूमल्ट शब्द को जब आप प्रयोग करते हैं तो इसका जो बेसिक अर्थ है स्टूडेंट्स वो है स्टेट ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन,
स्टेट ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन। आई होप ये बात समझ में आई। तो स्टेट ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन की जब बात करोगे आप, तो यहाँ पर वही सेम है क्या, तमिलनाडु पॉलिटिक्स जो है वो कभी इस तरह के ट्यूमल्ट में नहीं रहा। अनसर्टेनिटी कब से, सिंस चूंकि जब से डिमाइस हुआ है, मतलब कि उनका सडन डेथ हुआ है, यहाँ डिमाइस का मतलब डेथ होता है स्टूडेंट्स, उनकी जब से मृत्यु हुई है, सडन डेथ ऑफ जयललिता इन 2016 के एंड में जब हुई, ठीक है, तो हर स्टेट ऑफ माइंड सीम टू बी इन अ ग्रेट ट्यूमल्ट। यहाँ पर भी अर्थ क्या, कंफ्यूजन का, जब कुछ समझ नहीं आ रहा है, हर तरफ एना क्योस है, क्योस का सेंस आ जाता है, तो वहां पर आप ट्यूमल्ट वर्ड यूज करते हैं। अच्छा वर्ड है कंफ्यूजन के लिए, देयर वाज सो मच ट्यूमल्ट अराउंड दी सोसाइटी और दी मीटिंग एरिया, वहां कह सकते हैं आप, तो उस जगह पर ट्यूमल्ट वर्ड लगा सकते हैं। मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप शब्द को यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लें स्टूडेंट्स का, चलिए बात करते हैं यहाँ पर सिनोनिम्स एंटोनिम्स की। तो सिनोनिम एंटोनिम में मैंने अच्छे शब्द लेने की कोशिश की है कि जो आपको इजीली आप जिनको कनेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए वह बात कर लेते हैं कौन से शब्द हैं वो। सबसे पहले पहला वर्ड लिया है सिनोनिम में एडीओ अडो, दूसरा वर्ड लिया है ALARUMS अलार्मस अलार्म्स, तीसरा शब्द लिया है EXCURSIONS एक्सकर्जन्स, चौथा शब्द क्या लिया है BALLYHOO बैलीहू। सुन सी सारे शब्द अपनी कॉपी पे जरूर लिख लेना, बहुत अच्छे वर्ड हैं, एडो अलार्म्स अलार्म्स एक्सकर्जन्स बैलीहू, और एक और वर्ड है फिफ्थ वर्ड यहाँ पर लिया है, बहुत ही बेहतरीन शब्द है स्टूडेंट्स, ब्लैथर। इन सभी का मतलब है किसी प्रकार का केओस, केओस एंग्जाइटी, हर तरफ मतलब एनार्की, हर तरफ अफरा तफरी, कंफ्यूजन, इस तरह का सेंस निकलता है इनका, ठीक है। तो आप इन शब्दों को ऐड करें, बिल्कुल बेशक ऐड करें, बहुत अच्छे वर्ड है इनका। एंटोनिम में आप क्या ले सकते हैं, एंटोनिम में एक सिंपल सा वर्ड लिख लेते हैं सिंक्रोनाइज, ये शब्द ऐड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा इसको आप याद रखें सिंक्रोनाइज। तो ये ट्यूमल्ट के सिनोनिम और एंटोनिम है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पर क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शब्द की तरफ और बात करते हैं अगले शब्द में क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो दूसरा शब्द है इसमें आपको मैंने बता दिया इसके सिनोनिम्स एंटोनिम बता दिए, तो अब मैं आपको दूसरा शब्द दूंगा। दूसरा शब्द जो स्टूडेंट्स लिया है वो सिंपल है, वर्ड है CHAUVINISTIC शावनिस्टिक, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वर्ड है और अब देखना है कि एग्जैक्टली इसको कैसे यूज किया गया है वाक्य में। सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस बता दूं, यहां पर सेंटेंस देखिए इसका स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा है The apparent Tamil SHAUVINISTIC chauvinistic impulses of the Dravidian, आई होप जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं उन्हें ही पता होगा, नॉर्थ इंडिया वाले भी जानते होंगे, इन्होंने पढ़ा होगा ड्रेविडियन शब्द का प्रयोग बहुत जगह होता है, ड्रेविडियन मूवमेंट डिड नॉट इनहिबिट, क्या है कि डिड नॉट इनहिबिट MGR अ मलयाली from winning and ruling Tamil Nadu, आप शॉर्ट में लिख दिया Tamil Nadu। तो सुन the apparent Tamil chauvinistic impulses of the Dravidian movement did not inhibit MGR and a Malayali from winning and ruling Tamil Nadu। तो अब अगर यहाँ बात करें students इसकी कि इस वाक्य में किस प्रकार से इसका यूज हुआ है, क्या वाक्य का अर्थ निकल रहा है, तो जो मैंने वाक्य लिया, अगर मैं आपको वाक्य यहां पर लिखूं तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि इन द वॉर मेनी पीपल वर कॉट इन अ
वेव ऑफ शाविनिज्म. ठीक है स्टूडेंट्स, इन द वॉर मेनी पीपल वर कॉट इन द इन अ वेव ऑफ शाविनिज्म. पहले मैं समझा दूं कि शाविनिज्म होता क्या है. जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको स्टूडेंट, यहां पर मैं मान लीजिए एग्जांपल है, एग्जांपल के रूप में समझेंगे. अगर मैं यहाँ नॉर्थ इंडिया का हूँ, नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, और मैं नॉर्थ इंडियन होते हुए एक स्टेटमेंट जारी करूँ, ऐसा दूँ कि जो साउथ इंडिया वाले हैं वो कम अच्छे हैं या नॉर्थ इंडिया वाले बेहतर हैं साउथ इंडिया वालों से, इस प्रकार का अगर मैं उदाहरण दूँ, तो ये शाविनिस्टिक होने का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण होगा, जो कि बहुत गलत होगा. मतलब कि हमें किसी एक पर्टिकुलर जेंडर का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी से हो सकता है, किसी नेशन के एक पार्ट से हो सकता है, स्टेट के एक जगह को बिलोंग कर सकता है, वो व्यक्ति उस जगह की बात को लेकर अपने आप को सुपीरियर बताए और सामने वाले को कम आकलन करे उसका, तो वहां पर शाविनिज्म वर्ड का प्रयोग होता है. बस समझ में आ रही है. तो जैसे कोई जेंडर है, ऑपोजिट जेंडर का व्यक्ति दूसरे जेंडर के व्यक्ति को कह रहा है कि वो कमजोर है, उससे उससे कम है, या उससे कंपैरिजन में वो बहुत ही कंपैरेटिवली लो है, तो वहां पर शाविनिज्म वर्ड का प्रयोग होता है. समझ आ रही है. जैसे मेल शाविनिस्ट होते हैं, फीमेल शाविनिस्टिक लोग होते हैं, उनके लिए प्रयोग होता है वर्ड. अच्छा शब्द है. तो यहां पर मैं इसके लिए एक वाक्य लिख दे रहा हूं समझाने के लिए. फीलिंग दैट योर पार्ट इज बेटर देन अदर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको यहाँ पे मीनिंग समझ में आ रहा होगा शाविनिस्टिक का क्या होता है. अब आपको इन दोनों सेंटेंस से भी मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि द अपेरेंट तमिल शाविनिस्टिक इम्पल्सिस द ड्रेविडियन मूवमेंट, उनको बढ़ावा दिया क्या, इम्पल्स कर दिया ड्रेविडियन मूवमेंट को, डिड नॉट इनहिबिट MGR, उसके में नहीं था, अ मलयाली फ्रॉम विनिंग दी रूलिंग तमिलनाडु, तो उस जगह जीतने के सेंस में. ये हिंदू में आया था अखबार में, आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है. और ये वॉर में यहाँ बताए काफी लोग जो इन्वॉल्व होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक वेव होती है, उसमें वो भूल जाते हैं शाविनिज्म के, उनको लगता है हम बेहतर हैं, वो खराब है, बुरे हैं, उनको मारना, इस प्रकार की प्रवृत्ति आ जाती है उनमें. चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर सिनोनिम्स की फटाफट, कि शाविनिस्टिक वर्ड के लिए कौन सा शब्द लिया गया है. तो सिनोनिम्स में शाविनिस्टिक के लिए स्टूडेंट्स मैं बता दूं, पहला शब्द दिया है सिनोनिम्स, मैं लिख देता हूं यहां पर, नेशनलिज्म. दूसरा शब्द जो लिया है स्टूडेंट्स वो है जिंगोइज्म. और तीसरा शब्द यहां पर पैट्रियोटिज्म भी ले सकते हैं आप. ठीक है, तो आप पैट्रियोटिज्म भी ले सकते हैं, नेशनलिज्म, जिंगोइज्म, ये तीनों शब्द ले सकते हैं. एक्चुअली शाविनिस्टिक शब्द हम तभी यूज करते हैं जब किसी को, जैसे कोई भी है किसी पर्टिकुलर सेक्शन से सोसाइटी के, या किसी जेंडर का है कोई, किसी जेंडर से ऑपोजिट जेंडर को कमजोर बोल रहा है, तो वहां पर आप शाविनिस्टिक वर्ड को प्रयोग करके इसका अर्थ समझा सकते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से इसको लिया जा सकता है. तो सुन, चलिए इस नेशनलिज्म से ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर. तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड शब्द की तरफ और देखते हैं अगला शब्द क्या लिया गया है. तो इसके सिनोनिम्स यहाँ पर मैंने बता दिए हैं, इससे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, पैट्रियोटिज्म, सुपर पैट्रियोटिज्म भी एक शब्द के जैसे यूज होता है, वहां पर भी इसको आप ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो. फिलहाल स्टूडेंट्स तीसरा शब्द जो लिया गया है वो है कॉग्निजेबल. तीसरा शब्द है COGNIZABLE, cognizable. I hope ये cognizable word दिख रहा है. चलिए अच्छा बात कर लेते हैं cognizable शब्द को, कि कैसे इसको वाक्य में प्रयोग किया गया है. cognizable word जो यूज हुआ है वो है example इसका, and whether making it a cognizable and non-bailable offense would lead to it being misused against मुस्लिम मैन. सबसे पहले मैं यहाँ कॉग्निजेबल वर्ड का जो मैंने सेंटेंस लिखा है, तो द हिंदू वाला है स्टूडेंट्स, एक बार जरा एक बार सेंटेंस देखें, ये वाला सेंटेंस क्या लिया है एग्जैक्टली. सेंटेंस लिया है ऑलवेज बी कॉग्निजेबल
about the actions around you. ठीक है, always be cognizable about the actions around. यहाँ पर cognizable का मतलब cautious से भी है students. मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको अंदाजा लग जाए. cautious से भी है, किसी चीज के बारे में प्रूडेंस जैसे कहते हैं प्रूडेंस, या हैविंग नॉलेज, इस सेंस में इन शब्दों को प्रयोग किया जाता है. ठीक है बच्चों, तो ऑलवेज बी कॉग्निजेबल अबाउट दी एक्शंस अराउंड यू, आसपास जो एक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में आप जानकारी रखो, कॉशियस रहो, सतर्क रहो. एंड वेदर मेकिंग इट इज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस वुड लीड टू इट बीइंग अ मिसयूज्ड अगेंस्ट मुस्लिम मेन. ये एक्चुअली उस कॉन्टेक्स्ट में है जहां पर तीन तलाक, ट्रिपल तलाक के ऊपर बात चल रही है, उसी संदर्भ में यहाँ पर. तो पहले तो मैं कॉग्निजेबल का यहाँ पर मीनिंग है वो लिख देता हूँ स्टूडेंट्स. केपेबल ऑफ बीइंग ज्यूडिशियली what heard, मतलब आप न्यायपूर्वक सुने जाएं, इसके लिए आप capable हो, इस sense में शब्द को लिया जाता है. okay, तो I hope यहाँ पर ये बात clear हो गई. अब बात कर सकते हैं इसके शब्दों की, यानी कि इसके synonym की. चलिए बात कर लेते हैं एक बार, synonym में क्या word लिए हैं. तो synonym में बहुत simple से word लेकर के मैंने इसको समझाने की कोशिश की है यहाँ पर students, आपको समझ में आएगा, एक बार देखेंगे. तो सबसे पहले जो word लिया गया है वो पहला सिनोनिम यानी कि जो लिया है यहां पर वो है एडवर्टेंस, ADVERTENCE, एडवर्टेंस. दूसरा शब्द जो लिया है वो है अवेयरनेस. ठीक है, तीसरा शब्द जो स्टूडेंट्स लिया है वो है अटेंशन, बहुत सिंपल है. ठीक है, चौथा शब्द जो स्टूडेंट्स लिया है वो है कॉन्शियसनेस. ये तो सुना ही होगा हमने, कॉन्शियस है, सतर्क है, कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है, या माइंडफुलनेस. ये पांच शब्द एक्चुअली ले लिए स्टूडेंट्स यहां पर. एंटोनिम में मैंने जो इसका वर्ड लिया है वो है अनफैमिलियर. आगे फैमिलियरिटी लिख दिया, अनफैमिलियरिटी. ये इसका अपोजिट ले. अब कॉग्निजेबल है तो एडवर्टेंस होना चाहिए, सतर्क हो, सचेत हो, जागरूक हो, जानकार हो, ये सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं ऑब्वियसली. तो यही इसका यहाँ पर लिखा है. ऑपोजिट में अनफैमिलियर, जब आप किसी से अनभिज्ञ है, अनजान है, नहीं जानते, अनफैमिलियर है. आई होप माइंडफुलनेस, कॉन्शियसनेस, अटेंशन, अवेयरनेस, एडवर्टेंस, ये सारे मीनिंग आपको क्लियर हो रहे होंगे, अंदाजा लग रहा होगा. क्योंकि कॉग्निजेंस का मतलब है आप जब किसी चीज के लिए ज्यूडिशियली इतने परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, समझते हैं, कैपेबल ऑफ बीइंग ज्यूडिशियली हर्ड, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप न्यायपूर्वक सुने जाएं, कोई आपको सुने. ठीक है, तो ये इसके यहाँ पर सुनाएं. चलिए बात कर लेते हैं हम अगले शब्द की स्टूडेंट्स. तो अगला शब्द जो लिया है वो भी बड़ा बेहतरीन और अच्छा शब्द है, उसको आप आसानी से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वर्ड है. ओके स्टूडेंट, जो फोर्थ वर्ड लिया है यहाँ पर, फोर्थ वर्ड है LACUNAE. लेक्यूने. तो लेक्यूने शब्द लिया गया है. अब यहां पर बात कर लेते हैं लेक्यूने शब्द को कैसे सेंटेंस में यूज किया है. सबसे इंपॉर्टेंट वो है एग्जांपल इसका, बट हैज टेकन द पोजीशन दैट referring it to a parliamentary committee may help remove some lacunae. ये इसका सेंटेंस है यहाँ पर द हिंदू का जो लिया है मैंने. ठीक है, आपको मैं अब सेंटेंस दे देता हूँ मैंने जो सेंटेंस का प्रयोग किया लेक्यूने का. सेंटेंस बहुत सिंपल लिया है, वी हैव टू फिल द लेक्यूने इन द रिकॉर्ड. फिल इन दी कहना है तो यानी कि कोई खाली जगह होगी, तो लेक्यूने का प्रयोग बिल्कुल सही है समझा आपने. इसका प्रयोग जो है किसी प्रकार के गैप को बताने के लिए होता है या मिसिंग पार्ट को बताने के लिए होता है. स्टूडेंट समझ में आ रही है बात.
तो मिसिंग पार्ट या किसी गैप को बताने के लिए लैक्यूने का आप प्रयोग कर सकते हैं. वी हैव टू फिल द लैक्यूने इन द रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड में कमियां हैं गैप है उनको फिल करना है, फिल करना. बट हैज टेकन द पोजीशन दैट रेफरिंग इट टू द पार्लियामेंट्री कमेटी मे हेल्प टू रिमूव सम लैक्यूने, मतलब उसको मदद करेगी कमेटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी किसको हटाने में, जो कमियां हैं यानी कि गैप है, जो मिसिंग चीज है. ठीक, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की स्टूडेंट्स. और यहाँ पर बिना बिल्कुल आपको वेट कराए इसके सिनोनिम्स में दे देता हूँ. इसके सिनोनिम्स में स्टूडेंट्स लिया है बहुत सिंपल सा वर्ड. सबसे पहला वर्ड लिया है, देखिए स्टूडेंट क्या है सिनोनिम है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेफिशिट. दूसरा शब्द क्या लिया है, डर्थ. तीसरा शब्द लिया है पिंच. और चौथा शब्द लिया है स्कैन, स्कैंटीनेस, स्कैंटीनेस. और फिफ्थ वर्ड है क्रंच. ठीक है, ये पांच शब्द लिए हैं स्टूडेंट्स. और इनके एंटोनिम में आप क्या ले सकते हैं, एंटोनिम में आप बहुत सारा वर्ड ले सकते हैं. वैसे मैं एक वर्ड से आपको थोड़ा अंदाजा दे देता हूँ, अबंडेंस. अबंडेंस मतलब बहुत सारा, बहुत अधिक. तो लैक्यूने शब्द हो गया जिसका मतलब जो चीज़ कम है उस सेंस में, ठीक है. और अबंडेंस हो गया उसका उल्टा. तो डेफिशिट, डर्थ, पिंच, पिंच मतलब बहुत छोटा सा, पिंच ऑफ सॉल्ट कहते हैं ना, स्कैंटीनेस, क्रंच, डेफिशिट, सारी कमी, कम, गैप, मिसिंग चीज़ों को शो करते हैं, कम की चीज़ों को शो करते हैं. तो चलिए स्टूडेंट बढ़ लेते हैं अब अपने अगले शब्द की तरफ. और आपको जानकारी के लिए यहाँ बता दिया जाए कि जो शब्द लिया है मतलब अगला शब्द जो है वही बहुत सिंपल सा वर्ड है. और देखिए अब जो फिफ्थ वर्ड यानी कि लास्ट वर्ड है इस वीडियो का, शो का, वो है स्कपर, स्क्यूपर, SCUPPER, स्क्यूपर. अच्छा वर्ड है स्टूडेंट्स. चलिए बात करते हैं एक बार यहां पर क्या है इसका सेंटेंस. सेंटेंस देखिए आप लिखा है, व्हेन इट ब्रॉट इन लेजिस्लेशन टू स्क्यूपर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ अ मुस्लिम वुमन्स क्लेम फॉर मेंटेनेंस. ठीक है, ये इसका सेंटेंस है. यहाँ पर स्क्यूपर वर्ड का प्रयोग हुआ है. मैं आपको सेंटेंस बता देता हूँ जो मैंने यूज किया है जिससे कि आपको थोड़ा अंदाजा लग जाए. सेंटेंस है, द कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर होते हैं जो किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, कॉन्स्पिरेटर्स ट्राइड हार्ड टू स्क्यूपर द प्रोजेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका यहाँ पर सेंटेंस लिया है. कॉन्स्पिरेटर ने बहुत कोशिश की हार्ड कि उनका प्रोजेक्ट जो है वो खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, यानी कि एंड हो जाए उसको. तो स्क्यूपर वर्ड को एक्चुअली प्रयोग कब करेंगे आप, टू कॉज समथिंग टू फेल. जब आप चाहते हैं कोई चीज खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो वहां पर आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं. क्या याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा सभी स्टूडेंट्स को. बेहद जरूरी है आपके लिए समझना कि स्क्यूपर शब्द का है कि टू कॉज समथिंग टू फेल, यानी कि कोई चीज जब खराब हो जाए तो उस सेंस में इसको प्रयोग किया जाए. तो स्टूडेंट्स इसका यहाँ पर आपको मैं सिनोनिम बता, इसके सिनोनिम बता दूं कि इसके सेंटेंस देखो आपको क्लियर है, व्हेन इट ब्रॉट टू द इंडिजिशन टू स्क्यूपर, उसको खराब करने के लाए, अ सुप्रीम कोर्ट वर्डिंग जो उनका फैसला था फेवर में मुस्लिम वुमेन्स के, वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया गया. ठीक है, मतलब जो उसको खराब करने उन कोशिश थी कि वो फेल हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिंग था उसके सेंस में संदर्भ में यहाँ पर लिया गया. तो अब फाइनली यहाँ पर इसके मैं सिनोनिम्स लिख देता हूँ, क्या इसके सिनोनिम्स लिए गए हैं. बहुत सिंपल सा सिनोनिम देखिए स्टूडेंट्स लिया है. सिनोनिम में पहला शब्द है पेरिल, ठीक है, दूसरा शब्द है लर्क, तीसरा शब्द है स्टूडेंट्स QUEER, क्यूर, चौथा शब्द है एक्सपोज, ठीक है, और पांचवा शब्द स्टूडेंट्स लिया है इन डेंजर. तो ये पांच शब्द पहले मतलब मुसीबतें, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, लर्क, क्वीर, स्ट्रेंज, ऑड के सेंस में होता है ये शब्द, मतलब ऑड होता है क्वीर का,
लर्क भी होता है, किसी प्रकार की आप समस्या में फंस गए हैं, दिक्कत ऐसी जहां पर कुछ दिक्कत आ जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लर्क, ठीक है, जैसे लर्च होता है वैसे ही। एक्सपोज, आप किसी को उजागर कर रहे हैं, यानी कि बर्बाद करने के लिए, खराब करने के लिए, डेंजर, मुश्किल बनाने के लिए। तो ये पांच शब्द लिए स्टूडेंट्स। आज जो मैंने तरीका सोचा है वो ये है कि पांचों शब्द एक बार मैं एक इना ग्लैंस रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहला वर्ड है ट्यूमल्ट, ट्यूमल्ट का मतलब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। दूसरा वर्ड है शावनिस्टिक, शावनिस्टिक का मतलब है जब आप अपने पार्ट को बेटर मान रहे हैं, दूसरे के पार्ट से उसको कमजोर मानते हैं। तब कॉग्निजेबल का मतलब है जब आप इस इतने लायक हैं, कैपेबल हैं कि जुडिशली आप सुनाए जा सकें, किसी को आपको कोई सुने, यानी कि आपकी बात रखी जा सके, आप नॉलेज है आपके अंदर। लेक्यूने वर्ड लिया है, लेक्यूने वर्ड का मतलब है गैप है, यानी कि चौथा वर्ड है लेक्यूने, लेक्यूने शब्द का मतलब है मिसिंग पार्ट या गैप, ठीक है। और पांचवा शब्द लिया था शो में, यानी कि वीडियो में, स्क्यूपर था, स्क्यूपर के दो अर्थ हैं, एक है टू कॉज समथिंग टू फेल, जिसका मैंने अभी मीनिंग बताया आपको यहाँ पर, और दूसरा है अ होल इन द साइड ऑफ अ बोट दैट अलाउज वाटर टू रेन, मतलब जो बोट के साइड में एक होल होता है जो सूखने में पानी को मौका देता है, अवसर मिलता है उससे, ठीक है। तो ये पांच शब्द लिए गए हैं स्टूडेंट्स, और इसको कंक्लूड करते हुए मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इसका इंग्लिश वर्जन भी उपस्थित है, मौजूद है, आपको मैंने ऑलरेडी दे रखा, उसको आप याद दे सकते हैं, इंग्लिश वाले जो एस्पायरेंट हैं अगर देखना चाहते हैं तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, और स्टूडेंट्स आप अपने कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हैं जो भी आपको सुझाव देना है। थैंक यू सो मच।